हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द फूड कार्निवल पर। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट चिकन पॉपकॉर्न। मैं इसकी रेसिपी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और साथ ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप भी दूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो को भी प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन और इसे बिल्कुल छोटे छोटे पॉपकॉर्न जितने साइज के काट लेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच लहसुन का पाउडर डालेंगे, एक चम्मच प्याज का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक, एक चम्मच रेड चिली सॉस, एक चम्मच सोया सॉस, दो चम्मच नींबू का जूस। आप इसकी जगह एक चम्मच विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें एक चौथाई कप दूध डालेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप दूध को लास्ट में ही डालें, वरना दूध पहले डालने से दूध नींबू के संपर्क में आकर फट सकता है। और आप चाहें तो एक चम्मच लहसुन के पाउडर की जगह दो चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं और सेम चीज़ आप प्याज के पाउडर के साथ भी कर सकते हैं। अब दूध इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रेस्ट करने देंगे। अब हम इसके लिए एक कोटिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम एक कप मैदा लेंगे और उसमें एक कप कॉर्नफ्लोर डालेंगे। आप इसकी जगह चावल का आटा या अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें एक चम्मच लहसुन का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चिकन पॉपकॉर्न के लिए कोटिंग बनकर तैयार है और इधर चिकन को रेस्ट करते हुए भी 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें दो अंडे डालेंगे और उसे चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। चिकन में अंडे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें से चिकन के पीसेस उठाएंगे और उसे हमने जो कोटिंग प्रिपेयर की थी उसमें डालेंगे। ऐसे ही हम एक बार में 5 से 6 चिकन के पीसेस को इसमें डाल देंगे। अब हम एक बाउल में 2 ग्लास ठंडा पानी लेंगे और इधर चिकन के पीसेस को हाथों से अच्छे से कोट कर लेंगे। अब हम एक एक कर चिकन के पीसेस को पानी में डालेंगे। ऐसा करने से चिकन की कोटिंग उस पर बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगी। अब हम चिकन के पीसेस को पानी में से निकाल कर दोबारा कोट करेंगे। ऐसा करने से कोटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और चिकन फ्राई करने पर उसका शेप बिल्कुल पॉपकॉर्न जैसा आएगा। अब इस तरफ हमने ऑयल को पहले ही मीडियम हीट पर गर्म कर लिया था। अब हम इसमें चिकन के पीसेस को डालेंगे और उसे लाइट गोल्डन मतलब हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। ये पहला बैच हमने डबल कोटिंग के साथ फ्राई किया है और इस पर कोटिंग बहुत ही अच्छी तरह से चिपकी है।
लेकिन ये सेकेंड बैच हमने सिर्फ एक कोटिंग के बाद फ्राई किया है और ये ज़्यादा क्रिस्पी बना है। तो आप दोनों तरह से ट्राई करें, दोनों ही तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं। इनका शेप बिल्कुल पॉपकॉर्न जैसा होता है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये कैसा बना है। आप इस वीडियो को भी प्लीज़ लाइक करें, हम ऐसे ही न्यू वीडियो लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।